हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ इवनिंग वॉक से। मैं और डुगू आए हैं इवनिंग वॉक के लिए अपनी सोसाइटी के बाहर ही, क्योंकि हस्बैंड को आज काम ज़्यादा है तो वो लैब से थोड़ा लेट आएंगे, तो हमने सोचा तब तक हम ही जो है वो घूम लेते हैं, थोड़ी सी वॉक कर लेते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर पे बैठना पॉसिबल नहीं होता। और इस टाइम पे डुगू को होता है कि मुझे थोड़ी देर बाहर जाना है, हाँ साइकिल, तो इस टाइम की वॉक जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसके लिए। तो ये बैठे हैं महाराज, इतनी देर से बोल रही हूँ मैं इस लड़के को वापस चलने के लिए, पर मजा ले, ये चलेगा, मैं ले जाऊंगी इसको जबरदस्ती। चलो वापस। नो, क्यों? पापा आने वाले हैं, पापा आने वाले हैं, चलो चलो चलो, पापा आने वाले हैं। साइकिल बाहर आने के बाद उसका मन ही नहीं होता अंदर जाने का। पापा आने वाले बेटू, कैसे गाड़ी ते गाड़ी में तो बैठा है तू, चलो 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 चलो। गोपू यार तू हटो यार, ये मानना ही नहीं अंदर ही, उसने रोना शुरू कर दिया, तो मैं इसको थोड़ा सा दो चार चक्कर और लगवा देती हूँ एक बारी। बस इसकी यही दिक्कत है, अंदर भी नहीं टिकेगा वो, बाहर भी, और कितनी देर घुमाती रहूँगी मैं, समझ नहीं आ रही है। चलो फिर घुमा के फिर मैं डाल के लेके जाती हूँ बेबी के लिए हलवा, क्योंकि घूम के इसने खाना थोड़ा बहुत मतलब पहले खा लिया था, तो अभी इसको भूख लग गई है बाहर जाके जब वापस आया, तो मैंने सोचा थोड़ा सा हलवा खिला देती हूँ इसको। और ये मेरा हलवा रेडी है, और ये है क्लिप नेक्स्ट डे की, जब हमने ग्रॉसरी अपनी जो है वो इस बारी HB स्टोर से ऑनलाइन मंगाई थी, तो सामान हमें जो है वो डिलीवर हुआ था। और बस डुगू भी उसको देख के बहुत एक्साइटेड हो रहा था, सामान रखा हुआ है, अभी मैं सेट करूँगी इसको फ्रिज में, रखने वाला फ्रिज में रखूँगी, बाकी जो जो पेंट्री में रखना है वो पेंट्री में रखूँगी। बस अभी थोड़ा सा देख रहे थे कि सामान आ गया है पूरा कि नहीं आया है, लिस्ट चेक कर रहे थे और साथ में सामान को देख रहे थे। तो यस, ये आ गया है हमारा ग्रॉसरी इस महीने की, बस थोड़ा सा दूध और वेजी जो है वो आती हैं इसके बाद, बाकी ये ऑलमोस्ट हमारा पूरा महीने का ही सामान है, जो कि आया है पूरे $210 में। और सामान ठीक था, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो ठीक था, वेजी थोड़ी सी उतनी फ्रेश नहीं मुझे लगी, लेकिन वैसे ठीक थी। दो मिनट दे दिया करो यार बेबी, ऐसे भी मेरे को। तो जिस दिन घर पे राशन आता है ना, उस दिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुशी होती है, पता नहीं क्यों, शायद जब से मैं घर पे रहने लगी हूँ ना, तब से मतलब मेरे लिए शायद यही खुशी बन गई है कि घर पे राशन पानी आना है, और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। और क्योंकि हमने ना मंथली बेसिस का रखा हुआ है कि हम मंथली बेसिस पे ही सामान लेकर आएंगे, मतलब बीच में है वो थोड़ी सी वेजेज आती हैं, मतलब क्योंकि वेजेज का थोड़ी शॉर्टेज पड़ जाती है, और इतना लंबा आप रख नहीं सकते, फ्रेश नहीं रहती। और इसके साथ आता है हमारा दूध, जो कि मतलब क्योंकि दूध पीना भी होता है और चाय वाय भी बनती है, तो दूध भी इतना ज़्यादा स्टोर नहीं किया जाता, तो बस ये सारी चीज़ें आती हैं। अदरवाइज़ हम मंथली बेसिस पे लाना ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे पास अभी तक कुछ ऐसा मतलब व्हीकल नहीं है कि हम आना जाना बार बार कर सकें, मतलब सामान के लिए बार बार दौड़े रहें, या फिर हमारा पड़ोसी है वैसे जो हमारी हेल्प कर देते हैं, पर बार बार किसी को कहा भी नहीं जाता यार ऐसे, मतलब सब अपने अपने में बिजी रहते हैं। और इसके अलावा अगर आप टैक्सी करके जाओगे बार बार, तो आपको कॉस्टली इतना पड़ जाएगा, मतलब उसमें तो आप यार घर का मतलब आधे महीने का राशन ले आओगे अगर बार बार टैक्सी आप करके जाते भी हो। प्रॉब्लम ये है इस स्टेट की कि यहाँ पे ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, मतलब कि यहाँ पे सिर्फ जहाँ पे हम रह रहे हैं वहाँ पे यूनिवर्सिटी की बसेस चलती हैं, और वो बहुत टाइमली जाती हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी आप बस लो और उस रूट पे है नहीं है पता नहीं है, तो हस्बैंड जबकि यूनिवर्सिटी जाने के लिए वही उन्हीं बसों का यूज़ करते हैं, और यूनिवर्सिटी की ही बसेस हैं तो वो उसी रूट पर ज़्यादा चलती हैं, तो इसलिए हमें थोड़ा सा अभी मतलब चीज़ें सेट करने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब अपने पास कुछ ऐसा
कारोबार कुछ आ जाएगी फिर तो शायद थोड़ा इजी हो जाएगा, लेकिन मुझे ये सिस्टम ना मंथली बेसिस का इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि एक रिकॉर्ड में रहता है कि आप कितना खर्चा कर रहे हो। ऑब्वियसली आप अपने घर से अपनी कंट्री से इतनी दूर आके रह रहे हो, अगर आप कुछ थोड़ा बहुत सेव भी नहीं कर पाए और तो फ़ायदा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। और इसलिए हम थोड़ा सा मैनेज करके चलते हैं चीज़ों को और मंथली बेसिस पे लेकर आते हैं, तो बीच में सिर्फ वेजेस और दूध आएगा तो जिससे हमारा एक बैलेंस बना रहता है। और मैं पूरी ना लिस्ट भी रखती हूँ, मतलब कि सारी जितना भी हम महीने में खर्चा करते हैं तो वो हम मैं सारा जो है वो रखती हूँ, और एंड में हम फिर इन टोटल करते हैं कि हमारा कितना खर्चा होता है। तो उससे एक ना हमें आइडिया सा रहता है कि हम मतलब कितना खर्च कर सकते हैं और कितना हमने किया। तो बस ये था। और इसके अलावा आप लोग कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो कि यहाँ की लाइफ कैसी है, क्योंकि जिस एरिया में हम लोग हैं टेक्सास के वो कॉलेज स्टेशन नाम से मतलब सिटी है, और वो मोस्टली जो बनी है वो ऐसा बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया नहीं है, या आपको यहाँ के बहुत ऐसी फॉरेन वाली फीलिंग वाला भी कुछ नहीं है कि आप फॉरेन में रहते हो या कुछ, क्योंकि ये एक ना जैसे यूनिवर्सिटीज जैसे एरिया में होती हैं, एक साइड सा एरिया होता है ना यूनिवर्सिटीज़ के लिए, हमारे इंडिया में तो यही सारी होता है कि थोड़ा सा अलग एरिया देते, तो थोड़ा सा डेवलप है नो डाउट, मतलब कि मार्केट है पीछे, सड़क मतलब सड़कें वड़कें सब अच्छी हैं, घर वर सब अच्छे बने हुए हैं, थोड़ा सा डेवलप हो सकता है, लेकिन ऐसा बोलो कि बहुत हाई फाई फॉरेन वाली फीलिंग वो यहाँ पे नहीं है। तो बस अभी ये वाली लाइफ चल रही है, यहाँ पे सेट होने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करती रहूँगी, बाकी सब ठीक है। लेकिन बस यही लगता है थोड़ा सा, क्योंकि मतलब हिमाचल भी हमारा जैसे ऐसा ही है कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट सर्विस नहीं आपको मिलती, लेकिन फिर भी इतनी कम नहीं है, बट फिर भी वहाँ की जो लाइफ है वो बहुत हेल्दी है। और रही बात चंडीगढ़ जहाँ हम रहे हैं 7-8 साल, वहाँ की लाइफ थोड़ी फास्ट है, मतलब कि आपको ईजिली खाने पीने की चीज़ें, मन नहीं कर रहा कुछ बाहर से मंगा लिया, या फिर मतलब ये सारी चीज़ें आपको इजीली मिल जाती हैं, आने जाने की दिक्कत नहीं होती। तो कंपैरिजन मैं करती रहती हूँ क्योंकि मैं चंडीगढ़ 7-8 साल रही हूँ और यहाँ आने से पहले मैं 6-7 महीने जो है वो हिमाचल में रही हूँ, मुझे वहाँ भी अच्छा लगा, मतलब वहाँ भी मैं चिल थी, ठीक था। और अब मैं यहाँ आके जो है वो रहने की कोशिश, अपने आप को सेट करने की कोशिश, क्योंकि मैं पूरे दिन अपने बेबी के साथ रहती हूँ, हस्बैंड अपने काम में बिजी रहते हैं, तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का कि मैं कैसे पूरा दिन निकालती हूँ बच्चे के साथ। हालांकि मुझे आदत है वैसे अकेले रहने की, मतलब मुझे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं भी पड़ता, लेकिन फिर भी मैं मतलब मुझे होता है कि चलो मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूज़फुल ज़रूर लगी होगी, मेरा राशन पानी देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा लोगे कि हम कैसे यहाँ पे जो है वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसको चलाते हैं, या राशन पानी के साथ कैसे मतलब डील करते हैं, क्योंकि राशन पानी यहाँ ऑलमोस्ट सब कुछ HEB स्टोर में भी मिलता है, लेकिन जो कुछ ऐसी चुटर पुटर वाली चीज़ें होती है ना, जैसे स्नैक्स है या फिर मतलब जैसे गोलगप्पे पैकिंग वाले आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इंडियन स्टोर भी है यहाँ पे वहाँ पे मिल जाती हैं, तो ऐसी कोई कमी नहीं आती। कमी आती है बस वो जो रेडी पे जाके खाने वाला स्वाद है, बस वो नहीं आता और हम लोगों को उसकी आदत ज़्यादा होती है शायद। बट एनीवे, तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ और मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज के लिए बाय बाय।